हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी मै लॉन्च एंड हाउ आर यू डूइंग होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर हैविंग अ गुड स्किन दे ओके सो आज की वीडियो है उन स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में उन एसेंसेस सीरम्स एंड टोनर्स के बारे में जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं रफ स्किन टेक्स्चर को स्मूदन आउट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपकी स्किन ब्राइट दिखती है एक नेचुरल सॉफ्ट ग्लो दिखता है ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना जरूरी है मेरी स्किन हमेशा से ऐसी नहीं थी अच्छी नहीं थी थ्रू आउट माई मुझे टैन था स्किन डल दिखता था आई हैड कंजेस्टेड स्किन ब्लैक हेड्स स्किन डार्कनेस एट्सेट्रा बट देन विथ टाइम जैसे मैंने स्किन केयर में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किया है एंड आई नोटिस कि विटामिन सी एक ऐसा स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जो स्किन ब्राइटनिंग एंड ग्लो के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है बट अकॉर्डिंग टू माय ओन रिसर्च एंड माय ओन एक्सपीरियंस सिर्फ विटामिन सी ही नहीं और भी बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं एंड स्किन में एक अच्छा हेल्दी नाइस सॉफ्ट ग्लो प्रोवाइड करते हैं स्मूथ ग्लोइंग स्किन जिसको पॉपुलरली ग्लास स्किन बोला जाता है वो ग्लास स्किन जैसा ग्लो प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे एंड ऑल्सो विटामिन सी सबके लिए सूटेबल नहीं होता है बहुत जन है जिनको विटामिन uh, सी से स्किन इरिटेशन एंड डार्कनेस देखने को मिलता है तो स्पेशली उनके लिए तो ये वीडियो आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर कोरियन सम इंडियन बट ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आ Very, वेरी इफेक्टिव ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी लास्ट एक और छोटी सी बात मैं बता देती हूँ देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स देखकर आप please कन्फ्यूज मत होना क्योंकि this is my job ये मेरा काम है कि आपको different types of skin care brands दिखाना आपको uh, various options देना प्लीज़ रिमेंबर कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको एक प्रॉपर बेसिक रूटीन फॉलो करना है जैसे एक फेस क्लेंज़र यूज़ किया एक मॉइस्चराइजर यूज़ किया एंड साथ में सनस्क्रीन यूज़ कर लिया बट मॉइस्चराइजर से पहले आप अपने रूटीन में आप अगर आप चाहो तो अपने स्किन कंसर्न्स एंड इश्यूज़ के अकॉर्डिंग आप एक या दो सीरम या फिर एसेंस या टोनर चूज करके आप यूज़ कर लो दैट इज मोर दैन इनाफ ओके सो नाओ आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर एंड नाउ लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट्स नंबर वन द काजरिक्स प्रपोलिस सीरम प्रोपोलिस एक बी डिराइव्ड इन्ग्रेडियंट है एंड इट हैज़ माइक एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से ये एंग्री इरीटेटेड रेड स्किन को बहुत जल्दी काम डाउन कर सकता है स्किन रेडनेस एंड ऑल्सो एक्नी ब्रेकआउट्स को भी काम डाउन करता है रिड्यूस करता है एंड um, साथ ही साथ आपको देता है आपकी स्किन को देता है एक अमेजिंग ग्लो एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन इसका एक थिक हनी के जैसा कंसिस्टेंसी है जो अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा इमिडिएटली आफ्टर अप्लाइंग आपको थोड़ा सा स्टिकी फील हो सकता है बट विथ टाइम जैसे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एटलीस्ट मेरी स्किन में जब ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है आफ्टर दैट द स्टिकनेस ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड ये एक अच्छा स्किन केयर ऑप्शन है फॉर स्किन ग्लो एंड स्किन ब्राइटनिंग एंड ऑल्सो फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल बट प्लीज़ रिमेंबर कि प्रोपोलीज इज़ नॉट फॉर एवरी वन क्योंकि सम पीपल आर अलर्जिक टू प्रोपोलीज सो प्लीज़ डू अ पैचटिस्ट बिफोर अपलाइंग दिस सीरम ऑल ओवर योर फेस अना द प्रोडक्ट दैट कैन रियली ब्राइटन अप माई स्किन एंड कैन गिव मी सम अमेजिंग ग्लास स्किन लाइक ग्लो इज़ द क्लेज सपल प्रिपरेशन टोनर यस आई हैव द मिनी वर्शन ये भी एक कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट है एंड ये एक टोनर है तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ राइट आफ्टर फेस वॉश बिफोर यूजिंग एनी अदर मॉइस्चराइजर और सीरम सो दिस टोनर इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड इज़ वेरी हाइड्रेटिंग फॉर द स्किन जो जल्दी ही मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसको इस टोनर को रेगुलरली यूज़ करने के बाद आई हैव नोटिस्ड माई स्किन लुक्स रेडियंट एंड ब्यूटिफुल एंड ग्लोई सो इस टोनर का सेंटेड एंड अनसेंटेड दोनों वर्सन्स हैं तो अगर आपको अपने स्किन केयर में फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है इन दैट केस यू कैन चूज़ द अनसेंटेड वर्शन ऑल्सो दोनों प्रोडक्ट्स जो मैं आज दिखा चुकी हूँ बोथ आर कोरियन प्रोडक्ट्स एंड आई प्रेफर टू इट फ्रॉम मैक्रोन ऐप क्योंकि मैकरोन में मैंने देखा है कि मोस्टली प्राइसिस काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं सो दिस टोना इट्स अ वेरी नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग एंड ब्राइटनिंग टोना Um, that you can definitely try, and it contains lots of skin beneficial and skin nourishing herbs in it. And next, the deconstruct pigmentation control serum. Now, this is a serum from an Indian brand. Now, let me tell you, this serum not only suitable hair, amazing hair for skin glow, ke liye, but also ye serum calm karta hai, skin pigmentations, acne spots, skin darkening. Ye sab ke liye. It has a nice ingredient list containing थ्री परसेंट ट्रैनेक्समिक एसिड एंड टू परसेंट ग्लाइकॉलिक एसिड यस ये सीरम जेंटली आपके स्किन को एक्सफोलिएट uh, करता है एंड एज अ रिजल्ट यू आर लेफ्ट बिहाइंड विथ अ ग्लोई ब्यूटिफुल स्मूदर स्किन लास्ट स्किन लवर्स कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस सीरम बट प्लीज़ रिमेंबर कि uh, क्योंकि ये सीरम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इट हैज़ वेरी स्ट्रोंग एक्टिव इन दिस तो मैं इस सीरम को डेली यूजेज के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी आप वीक में एक या दो या मैक्सिमम थ्री टाइम्स आप यूज़ करके देख सकते हो डिपेंड्स ऑन योर स्किन टॉलरेंस अच्छा वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव दैट ग्लास स्किन ग्लास स्किन ग्लो प्लीज़ रिमेंबर कि हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन इज़ द की द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ हाइड्रेशन सो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करते रहना चाहिए मॉइस्चराइजर को स्किप मत कीजिए एंड माई नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टूडे इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग इट डज द जॉब ऑफ इंटेंसली हाइड्रेटिंग योर स्किन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से मेरी स्किन अंदर से ग्लो करती है एक हाइड्रेटेड ब्यूटिफुल प्लम्प ग्लो दिस प्रोडक्ट गिव्स मी आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमलिस्ट हाइडुरिक एसिड प्लस पी जी ए दैट इज पॉली ग्लूटमिक एसिड सो so, ये सीरम मैं उनके लिए रेकमेंड करूँगी जिनकी स्किन डल एंड ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है एंड प्लीज़ रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सीरम अप्लाई करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लाइट वेट मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लो अपने स्किन पे क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू लॉक इन दैट हाइड्रेशन अच्छा प्लीज़ रिमेंबर कि हमेशा ऐसा नहीं कि ड्राई स्किन जो होती है वो ही डिहाइड्रेटेड हो क्योंकि uh, ऐसा भी बहुत केसेस है जहाँ पे uh, आपकी स्किन ऑयली है बट

Yeah, so thank you for watching this video. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye. Take care. Love you.